नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरके क्लासेस में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग प्रमुख पुरस्कार एवं सम्मान पढ़ेंगे, जो कि बिहार दरोगा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसे भी प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता है। दोस्तों, अगर आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास वाले बेल आइकन को दबाएँ, वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला पुरस्कार है नोबेल पुरस्कार। देखिए, नोबेल पुरस्कार की स्थापना 1901 ईस्वी में हुई थी। नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? 1901 ईस्वी में। और अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल का नाम, उनके नाम पर इस पुरस्कार का नाम रखा गया है। जो वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल, उन्हीं के नाम पर इस पुरस्कार का नाम नोबेल पुरस्कार रखा गया है। ये जो अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल थे, इनका जन्म जो है स्टॉकहोम स्वीडन में हुआ था। ठीक है, अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल का जन्म कहाँ हुआ? स्टॉकहोम स्वीडन में। और नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 1901 ईस्वी में। ये नोबेल पुरस्कार किसके नाम पर रखा गया? अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल के नाम पर। आगे बढ़ते हैं। अल्फ्रेड नोबेल ने 1867 ईस्वी में डायनामाइट की खोज की। डायनामाइट की खोज किसने की? अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल ने। कब? 1867 ईस्वी में। उन्हीं की स्मृति में ही नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, आगे देखिए। पहले जो है नोबेल पुरस्कार पांच क्षेत्रों में दिया जाता था, पांच विषयों में दिया जाता था, लेकिन 1967 में अर्थशास्त्र के लिए भी यह पुरस्कार शुरू हुआ। ठीक है, मतलब 1967 से पहले नोबेल जो है पांच क्षेत्र या पांच विषयों में दिया जाता था, लेकिन 1967 से ये जो है इकोनॉमिक्स के लिए भी शुरू हुआ। और पहली बार इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र में के लिए 1969 में दिया गया। ये दोनों क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि इकोनॉमी के क्षेत्र में, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल कब शुरू हुआ? तो याद रखिए 1967 में। और पहली बार दिया गया था कब? 1969 में। ठीक है, अब देखते हैं प्रमुख भारतीय जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर प्रथम भारतीय थे जिन्हें 1913 ईस्वी में गीतांजलि की रचना के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। प्रथम भारतीय कौन थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला? रविन्द्रनाथ टैगोर। कब? 1913 में। किसके लिए? तो गीतांजलि की रचना के लिए। ठीक है, इसके बाद देखिए, रमन प्रभाव के लिए सीवी रमन को 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, सीवी रमन को किस लिए नोबेल मिला? रमन इफेक्ट उन्होंने दिया। और उन्हें कब नोबेल मिला? 1930 ईस्वी में। अगले जो व्यक्ति हैं, 1968 ईस्वी में कृत्रिम जीन संश्लेषण करने हेतु हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार मिला था। कृत्रिम जीन संश्लेषण किसने किया था? हरगोविंद खुराना ने। इन्हें नोबेल कब मिला था? 1968 ईस्वी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1979 में समाज सेवा संबंधी कार्य के लिए मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में मिला। ठीक है, उसके बाद सीवी रमन को 1930 ईस्वी में मिला, ध्यान रखिए आप। और हरगोविंद खुराना को 1968 में मिला। ठीक है, मदर टेरेसा को 1979 में मिला है, ध्यान रखिए, समाज संबंधी कार्य के लिए ये ईयर पूछा जाता है। अगला देखिए, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 ईस्वी में चंद्रशेखर सीमा, चंद्रशेखर लिमिट के लिए नोबेल मिला था। ठीक है, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को नोबेल कब मिला? 1983 में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगले जो व्यक्ति हैं जिन्हें नोबेल मिला है, ये हैं कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए 1998 ईस्वी में अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र में नोबेल मिला था। कब? 1998 में। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अमर्त्य सेन को नोबेल मिला था। किसके लिए? तो कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, 2001 ईस्वी में वीएस नायपाल को साहित्य का नोबेल मिला। ठीक है, कब? 2001 ईस्वी में।
ठीक है, देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर 1913, सीवी रमन 1930, हरगोविंद खुराना 1968, मदर टेरेसा 1979, ठीक है, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर 1983, वीएस नायपाल को 2001 ईस्वी में साहित्य के लिए नोबेल मिला। अगली जो व्यक्ति हैं ये देखिए, इनका नाम वेंकट रमन रामकृष्ण है। इन्हें 2009 ईस्वी में राइबोसोम की संरचना एवं कार्य प्रणाली की खोज करने के लिए रसायन विज्ञान का नोबेल मिला था। ठीक है, वेंकट रमन को कब मिला? 2009 ईस्वी में। और इन्होंने क्या किया था? राइबोसोम की संरचना एवं उसके कार्य प्रणाली की खोज की थी। ठीक है, और यह पुरस्कार जो है इन्हें संयुक्त रूप से मिला था। आगे देखिए, वर्ष 2014 ईस्वी में कैलाश सत्यार्थी को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था संयुक्त रूप से। इसमें जो है मलाला यूसुफजई भी शामिल थी। अगला जो देखिए नोबेल के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है, कहता है नोबेल पुरस्कार जो विजेता है उन विजेताओं की घोषणा जो है अक्टूबर में हो जाती है। ठीक है, लेकिन यह पुरस्कार जो है 10 दिसंबर को दिया जाता है। ध्यान रखिए आप, जो विजेता है इसकी घोषणा अक्टूबर में ही कर दी जाती है, लेकिन पुरस्कार जो है 10 दिसंबर को दिया जाता है। आगे देखिए, महात्मा गांधी जो है ये 5 बार नोबेल शांति के लिए नामित हुए, लेकिन इन्हें अब तक एक बार भी नोबेल नहीं मिला। ठीक है, अब तक केवल 2 व्यक्ति, ठीक है, 2 बार मृत व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार मिला है। ठीक है, ये किसे, किन मृत व्यक्तियों को नोबेल मिला है? देखिए, एरी एक्सेल कार्ल फल्डट को 1931 में और डैग हैमरसोल्ड को 1961 ईस्वी में। ठीक है, ये 2 व्यक्ति हैं जो मृत होने के बाद इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। एरी एक्सेल को 1931 ईस्वी में और डैग हैमरसोल्ड को 1961 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या हुआ कि 1974 ईस्वी में यह नियम बना दिया गया कि मरणोपरांत जो है नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा, यह नियम कब बना? 1974 ईस्वी में। ठीक है, ध्यान रखिए आप, सारा चीज़ पूछा गया है एग्जाम में, किसी न किसी एग्जाम में। देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मैडम क्यूरी, लीनस पॉलिंग, जॉन बार्डिन एवं फ्रेडरिक सेंगर, इन चारों को 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। किसे किसे, एक बार फिर से देखिए, थोड़ा टफ है, 3-4 बार आप पढ़िए याद हो जाएगा। मैडम क्यूरी, लीनस पॉलिंग, जॉन बार्डिन, फ्रेडरिक शेंगर को 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। अगला जो फैक्ट है, सबसे अधिक उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति कौन हैं? तो देखिए, सबसे अधिक उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति जॉन गुड इनफ हैं। ठीक है, जॉन गुड इनफ, इन्हें जो है रसायन के क्षेत्र में नोबेल मिला है और इसी साल 2019 में मिला है। इनकी आयु जो है 97 साल है। ठीक है, और अगर 2019 से पहले देखा जाए तो ये हैं आर्थर आस्किन, ठीक है, इनकी उम्र 96 साल थी और इन्हें 2018 में मिला है। ठीक है दोस्तों, इन सब पॉइंट को आप जरूर याद रखिए कि मैडम क्यूरी, लिनस पॉलिंग, जॉन बार्डिन, फ्रेडरिक सेंगर को 2-2 बार नोबेल मिला है, सबसे अधिक उम्र में नोबेल पाने वाले जॉन गुडइनफ हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला पॉइंट क्या कहता है कि सबसे कम उम्र में नोबेल किसे मिला। तो देखिए, इसमें 2 नाम है, पहला है मलाला यूसुफजई को 17 साल, और पुरुष में अगर देखा जाए तो लॉरेंस ब्रैग को 25 साल। ठीक है, 2 व्यक्ति, महिला में मलाला यूसुफजई, पुरुष में लॉरेंस ब्रैग। अगला देखिए, ये कई दफ़ा पूछा गया है, विलियम हेनरी ब्रैग को अपने बेटे विलियम एल ब्रैग, मतलब विलियम लॉरेंस ब्रैग के साथ 1980 ईस्वी में भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, किसे मिला था? अपने बेटे के साथ, विलियम हेनरी ब्रैग को विलियम लॉरेंस ब्रैग के साथ 1980 में भौतिक क्षेत्र में नोबेल मिला था। अगला जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये कहता है इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस को अब तक 3 बार नोबेल मिल चुका है। ठीक है, किसको? इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस को।
ठीक है दोस्तों, तो नोबेल के बारे में हम लोगों ने इतना चीज़ जाना। उम्मीद है आपको सारी बात समझ में आ गई होगी। एक बार मोटा मोटा हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, 1901 में नोबेल पुरस्कार शुरू हुआ था, और ये नोबेल पुरस्कार जो है अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल के नाम पर रखा गया था। अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल का जन्म जो है स्टॉकहोम में हुआ था, ठीक है। और अल्फ्रेड नोबेल ने ही जो है 1867 ईस्वी में जो है, ठीक है, डायनामाइट की खोज की। इनकी स्मृति में ही नोबेल पुरस्कार को दिया जाता है, ठीक है। देखिए, नोबेल पुरस्कार के जो विजेता होंगे उसकी घोषणा जो है अक्टूबर में कर दी जाती है, लेकिन ये किस तारीख को दिया जाता है? 10 दिसंबर को, ठीक है। उसके बाद देखिए, प्रथम भारतीय जो नोबेल पाने वाले थे ये थे रविन्द्रनाथ टैगोर। इन्हें 1913 ईस्वी में गीतांजलि की रचना के लिए मिला। उसके बाद सीवी रमन को रमन प्रभाव के लिए 1930 ईस्वी में नोबेल मिला, ठीक है। उसके बाद आपको याद होना चाहिए, कृत्रिम जीन संश्लेषण के लिए हरगोविंद खुराना को 1968 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला था। 1968 के बाद देखिए, मदर टेरेसा को 1979 ईस्वी में मतलब समाज शांति और उत्कृष्ट कार्य हेतु नोबेल पुरस्कार मिला था सेवा के लिए। उसके बाद देखिए, 1983 में सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को मिला था, चंद्रशेखर लिमिट के लिए, ठीक है। फिर आपको पता होना चाहिए, 1998 में अमर सेन को मिला था, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए, VS नायपाल को 2001 ईस्वी में मिला था। क्या आपको याद है कि 2009 में किसे मिला था? आप ज़रूर कमेंट करें। आपको हिंट देते हैं कि इसमें जो है इन्होंने जो है राइबोसोम की कार्य प्रणाली के बारे में इन्होंने बताया था, और इन्हें संयुक्त रूप से मिला। फिर देखिए, 2014 ईस्वी में जो है कैलाश सत्यार्थी को मिला शांति के लिए। 19 में आपको पता है बनर्जी जी को नोबेल पुरस्कार मिला है। इसके बाद देखिए, सबसे अधिक उम्र में नोबेल पाने वाले जॉन गुड इनफ है ना, रसायन के क्षेत्र में। और 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला था मैडम क्यूरी को, लिनस पॉलिंग है ना, जॉन बार्डिन, फिर फ्रेडरिक सेंगर, इन सभी को मिला है। और विलियम हेनरी ब्रैग को अपने पुत्र विलियम एल ब्रैग या लॉरेंस ब्रैग के साथ 1980 में फिजिक्स के लिए नोबेल मिला था। सबसे कम उम्र में नोबेल पाने वाली मलाला यूसुफजई हैं, उसके बाद लॉरेंस ब्रैग हैं। जो इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस है, इसे अब तक 3 बार शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। उम्मीद है आपको ये चीज़ अच्छे से याद हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा महत्वपूर्ण पुरस्कार है, यह है ऑस्कर पुरस्कार। देखिए, ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत 1929 ईस्वी में हुई। कब हुई ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत? 1929 ईस्वी में, ठीक है दोस्तों। देखिए, ऑस्कर पुरस्कार जो है ये अमेरिका के द्वारा दिया जाता है। ऑस्कर पुरस्कार कौन देता है? अमेरिका। ऑस्कर में नामित देखिए प्रथम भारतीय फिल्म जो है ये मदर टेरेसा थी, जो कि 1957 ईस्वी में नामित हुई थी, ठीक है। देखिए, ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 1929 ईस्वी में। ऑस्कर पुरस्कार कौन देता है? तो अमेरिका, USA के द्वारा। ऑस्कर में नामित प्रथम भारतीय फिल्म कौन सी थी? तो मदर इंडिया। कब नामित हुई थी? 1957 ईस्वी में। देखिए, मदर इंडिया के अलावा जो है कई और सारी फिल्में हैं जो कि ऑस्कर के लिए नामित हुई है। जैसे देखिए आप, सलाम बॉम्बे, लगान, स्वास, पहेली, रंग दे बसंती, न्यूटन, ठीक है। तो जैसी फिल्में भी ऑस्कर हेतु नामित हो चुकी है। अब देखिए, ऑस्कर पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो देखिए, इनका नाम था भानु अथैया। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। और 1992 ईस्वी में सत्यजीत रे को सिनेमा में उपलब्धि के लिए ऑस्कर का लाइफ टाइम अवार्ड दिया गया था। 1992 में ऑस्कर का लाइफ टाइम अवार्ड किसे दिया गया था? सत्यजीत रे को, ठीक है। ये हो गया हमारा ऑस्कर पुरस्कार। इसमें हम लोगों ने क्या क्या देखा? तो ये 1929 ईस्वी में शुरू हुआ, इसे कौन देता है? अमेरिका के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। और पहली जो फिल्म नामित हुई थी ये मदर इंडिया थी 1957 ईस्वी में। इसके अलावा कई और सारी फिल्में हैं जो नामित हो चुकी है, रंग दे बसंती, सलाम बॉम्बे, स्वास, पहेली इत्यादि। और पहली ऑस्कर पाने वाली जो महिला थी, इनका नाम भानु अथैया था। 1992 ईस्वी में सत्यजीत रे को सिनेमा में जो है फिल्म इंडस्ट्री में उपलब्धि के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था। चलिए, अगला जो हमारा महत्वपूर्ण पुरस्कार है ये है रेमन मैग्सेसे अवार्ड, ठीक है।
देखिए रेमन मैग्सेसे अवार्ड को एशिया का नोबेल भी कहा जाता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, एशिया का नोबेल, तो ध्यान रखिए रेमन मैग्सेसे अवार्ड को। और रेमन मैग्सेसे अवार्ड जो है फिलीपींस सरकार के द्वारा दिया जाता है। जैसे जो है ऑस्कर पुरस्कार अमेरिका देती है, वैसे रेमन मैग्सेसे अवार्ड जो है फिलीपींस की सरकार के द्वारा दिया जाता है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की जो स्थापना हुई थी 1957 ईस्वी में हुई थी। कब? 1957 में। ये जो पुरस्कार है रेमन मैग्सेसे अवार्ड, इसमें जो है $50,000 की राशि दी जाती है। ठीक है, कितनी राशि? राशि भी कई दफ़ा पूछ लेता है, तो आप ध्यान रखिए रेमन मैग्सेसे अवार्ड में $50,000 की राशि दी जाती है। और ये अवार्ड जो है 5 क्षेत्रों में दिया जाता है रेमन मैग्सेसे अवार्ड। लेकिन लेकिन यहाँ पर एक बात है कि फोर्ड फाउंडेशन की सहायता से रेमन मैग्सेसे अवार्ड एक दूसरे छठे क्षेत्र में, जो क्षेत्र है उद्गामी नेतृत्व के लिए दिया जाता है। तो आप ध्यान रखिए रेमन मैग्सेसे अवार्ड सिर्फ 5 क्षेत्रों में दिया जाता है, लेकिन फोर्ड फाउंडेशन के साथ एक और क्षेत्र है जो कि उद्गामी नेतृत्व के लिए रेमन मैग्सेसे अवार्ड भी दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1957 ईस्वी में हुई, फिलीपींस की सरकार के द्वारा दिया जाता है। $50,000 की राशि मिलती है, कुल 5 क्षेत्रों में दिया जाता है। क्या आप बता सकते हैं वर्ष 2019 में किस भारतीय को रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा महत्वपूर्ण पुरस्कार है ये है मान बुकर पुरस्कार। मान बुकर पुरस्कार देखिए ये 1969 ईस्वी से दिया जाता है, मतलब इसकी शुरुआत 1969 में हुई। ठीक है, और ये जो है मान बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के बाद सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। ठीक है, मान बुकर पुरस्कार जो है 1969 में शुरू हुआ, और साहित्य के क्षेत्र में जो नोबेल मिलता है उसके बाद जो है साहित्य के क्षेत्र में ये सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। एक और खास बात देखिए, मान बुकर पुरस्कार राष्ट्रमंडल देशों के कलाकारों को दिया जाता है। सवाल पूछा जा चुका है। ठीक है, इस पुरस्कार में £60,000 राशि मिलती है। इससे पहले देखिए $50,000 की राशि मिल रही थी किसमें? रेमन मैग्सेसे अवार्ड में। तो ध्यान रखिए आप, मान बुकर में £60,000 की राशि मिलती है। अब देखिए कुछ भारतीय हैं जिन्हें जो है मान बुकर पुरस्कार मिला है। ये देखिए कौन है, ये हैं वीएस नायपॉल। देखिए वीएस नायपॉल को नोबेल पुरस्कार भी मिला है और मान बुकर भी मिला है। ठीक है, नोबेल पुरस्कार इन्हें किस वर्ष मिला आप जरूर कमेंट करें, क्योंकि हम आप पहले पढ़ चुके हैं। अगला जो है देखिए वीएस नायपॉल, सलमान रशदी, अरुंधति राय, किरण देसाई, अरविंद अडिगा, इन सभी को जो है मान बुकर पुरस्कार मिल चुका है। देखिए एक फेमस ये है वाइट टाइगर के लेखक कौन है, कई दफ़ा पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा वाइट टाइगर को अरविंद अडिगा ने लिखा है। इसका ट्रिक आप याद रख सकते हैं, किसे मान बुकर पुरस्कार मिला है? तो सलमान ने किरण को नई धोती और बिंदी दी। सलमान से देखिए सलमान रशदी, ठीक है, किरण से किरण देसाई, नई नई से याद रखिए नायपॉल, धोती अरुंधति, बिंदी से रसदी, अरविंद, बिंदी से आप ध्यान रखिए अरविंद अडिगा। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोगों ने क्या देखा मान बुकर पुरस्कार के बारे में, कि ये 1969 ईस्वी में शुरू हुआ। ठीक है, और साहित्य के क्षेत्र में नोबेल के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है साहित्य के क्षेत्र में। £60,000 की राशि मिलती है। और अब तक वीएस नायपाल, सलमान रशदी, अरुंधति राय, किरण देसाई, अरविंद अडिगा, जिन्होंने व्हाइट टाइगर लिखी है, उन्हें ये पुरस्कार मिल चुका है। अगला जो हमारा महत्वपूर्ण पुरस्कार है यह है ग्रैमी पुरस्कार। देखिए ग्रैमी पुरस्कार जो है दोस्तों संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, और यह कुल जो है 108 श्रेणियों में दिया जाता है। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत के क्षेत्र में। कितने श्रेणियों में? 108 श्रेणी में। ध्यान रखें कि पंडित रविशंकर को 1973 ईस्वी में और विश्व मोहन भट्ट को 1994 ईस्वी में ग्रैमी पुरस्कार मिला है। ठीक है, ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है 108 श्रेणियों में, और पंडित रविशंकर को 1973 ईस्वी में, विश्व मोहन भट्ट को 1994 ईस्वी में ये पुरस्कार मिल चुका है। अगला जो हमारा महत्वपूर्ण पुरस्कार है ये है पुलिंजर पुरस्कार, जो कि पूछा जाता है। तो ये देखिए ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, बल्कि पुलिंजर पुरस्कार जो है पत्रकारिता के क्षेत्र में विश्व का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है।
सवाल बनता है विश्व का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में, तो ध्यान रखिए पुलित्जर पुरस्कार, ठीक है। और एक और खास बात, यह पुरस्कार जो है कोलंबिया विश्वविद्यालय यूएसए के द्वारा दिया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार कौन प्रदान करता है? कोलंबिया विश्वविद्यालय, ठीक है। विश्व का सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता के लिए कौन सा पुरस्कार है? पुलित्जर पुरस्कार, ठीक है। अगला देखिए कलिंग पुरस्कार, यह विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1952 ईस्वी में हुई, ध्यान रखें आप। कलिंग पुरस्कार कब शुरू हुआ? 1952 ईस्वी में। कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में। पहले यह पुरस्कार भारत देती थी, लेकिन जो है अब इसे यूनेस्को द्वारा दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है गांधी शांति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। इसकी शुरुआत 1995 ईस्वी में हुई। गांधी शांति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 1995 में। यह भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है शांति कार्य करने के लिए। इसमें जो है 1 करोड़ की राशि दी जाती है। ध्यान रखिए आप, कलिंग 1952 में शुरू हुआ और गांधी शांति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 1995 ईस्वी में। अगला जो महत्वपूर्ण पुरस्कार है यह है जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार। इसकी जो शुरुआत हुई ये 1965 ईस्वी में हुई। ये जो है भारत का विदेश मंत्रालय देता है, किस लिए? तो शांति और सद्भावना के लिए भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है। दोस्तों ये था महत्वपूर्ण पुरस्कार सम्मान। उम्मीद है आपको सारे फैक्ट समझ में आए होंगे। अगर आपको ये अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, रिवीजन करते रहें। धन्यवाद।